एक्सरसाइज 15 ए के क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x-9=2x+7। तो यहां हमें वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे। देन ये हो गया आपका 4x, ये जो 2x प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, -2x = ये 7 है, -9 इधर जाके क्या हो जाएगा, +9। 4x में से 2x माइनस करेंगे, देन 2x 9 और 7 16। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डैट मीन्स कि यहाँ पर x के साथ जो जुड़ा हुआ है 2, उसे हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 2 2 8 16, डैट इज x = 8। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 5 + 18 = 11 - 2y। देन कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 5y और ये +2y 11 - 18। ये हो गया आपका 7y, माइनस किए तो हो गया -7, y = हो गया -7, 7 जाके इधर डिवाइड हो गया, कैंसिल, देन y = हो गया -1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 21 - 3x - 7 = x + 20। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 21 - 3x - -3 + 7 = 21, ये x और ये हो गया 20। 21 और 21 ऐड होके हो गया 42 -3x = x + 20। ये जो 20 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, -42 - 20 और x -3x इधर आके क्या होगा, +3x। 2 में से 0 2 और ये हो गया आपका 2 = ये हो गया 4x। Hence x = 22, ये जो 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, कैंसिल होकर हो गया आपका 11/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, t - 15 - 16t = 12 - 2t - 3। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो गया 3t - 3 5 = 15 - 16t = 12 - 2t - 3 = 6। 3t of 16t सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका -13t - 15, 12 और 6 18 - 2t। टी एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, -13t और ये हो गया +2t, 18 और ये हो गया 15, ये हो गया आपका 11t और 33। हेंस t = 33/-11, 11 1 11 11 3 = 33, टी का वैल्यू हो गया -3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम डेट इज 12, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 = 9x, माइनस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, वी हैव 4 का मल्टीप्लाई x - 4 से, देन वी हैव 5/3। नेक्स्ट -4x - 16, ये हो गया 5/3। 9x - 4x ये हो गया आपका 5x + 16 / 12, ये हो गया 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 5x + 16 टोटल से होगा और 5 का मल्टीप्लाई 12, 5 3 = 15x, 16 3 = 48, 12 5 = 60, ये हो गया 15x, 60 - 48, 15x, hence x का वैल्यू हो गया 12/15, 3 4 = 12, 3 5 = 15, x = हो गया 4/5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ 3 2 और 5 तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 = 15, 15 2 = 30, डिवाइड करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 4x + 1 से, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, देन वी हैव 15 और ये हो गया 2x - 1, माइनस 6 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव 6 और ये हो जाएगा 3x - 7 = क्या है, 6। मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 40x + 10 1 = 10,
प्लस माइनस माइनस हो गया आपका 18x, माइनस माइनस प्लस 42, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका 180। एक्स 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 इसे पहले सॉल्व करते हैं, 40x और 30x, 70x, 70x में से माइनस 18x हो जाएगा, फिर 42 और 10 ऐड हो गया तो 52, और माइनस ये है आपका 15, ये हो गया 180। सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 180, ये हो गया आपका 52x, 180 माइनस 37, ये हो गया 52x, तो x इक्वल्स टू हो गया 143 बाई 52। टोटल न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, है ना। 6 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका एलसीएम हो गया 18। 18 में 6 डिवाइड करेंगे देन वी हैव 3, 3 का मल्टीप्लाई जेड प्लस 5, माइनस 9 2 जा 2, जेड प्लस 1 इक्वल्स टू ये है जेड प्लस 3 बाई 4, ये हो गया 3 जेड, 3 5 जा 15, ये हो गया 2z माइनस 2 1 जा 2, ये है 18, और ये है जेड प्लस 3 बाई 4। 3z में से 2z माइनस करेंगे देन वी हैव जेड, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 18, ये हो गया जेड प्लस 3 बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, जेड प्लस 13 से, और 18 का मल्टीप्लाई होगा जेड प्लस 3, ये हो गया आपका 4z 52, ये 18z 54, माइनस करेंगे, है ना, 52 54 के इधर लाके माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 18z 4z जाके उधर माइनस, ये हो गया हमारे पास माइनस 2, माइनस करेंगे देन वी हैव 14z, हैंस z इक्वल्स टू हो गया 2 बाई 14, कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई 7, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स एक्स जेड जेड एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, माइनस 16 आएगा तो क्या होगा, प्लस 16z, 15 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा आपका 9, 3 में से 1, 2, 29z, हैंस जेड इक्वल्स टू हो गया 58 बाई माइनस 29 टू जा 58, जेड इक्वल्स टू हो गया माइनस 2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म, इसका मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा और 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, 3 2 जा 6 एक्स 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 स्क्वायर प्लस 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 4 2 जा 8x माइनस 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एक्स 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 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3, 6x स्क्वायर 6 स्क्वायर दोनों का साइन सेम है, कैंसिल हो गया, देन वी हैव 8x माइनस 9x x माइनस 12, और ये 11x माइनस 3, एक्स को एक तरफ करते हैं माइनस 11 इधर आके प्लस 11x माइनस 3, और ये हो गया प्लस 12, ये हो गया आपका 10x और ये हो गया 12 में से 9, हैंस x इक्वल्स टू हो गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 माइनस वन प्लस 3 3 हाँ माइनस x और ये हो गया माइनस 7x माइनस 3 और ये 12, तो ये हो गया माइनस 8x और ये है आपका 9, हैंस x इक्वल्स टू 9 बाई माइनस 8, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है,
है ना, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू हो गया -9/8, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 15A का आज हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा अच्छा आपको कब समझ में आएगा, जब आप खुद से कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ साथ बनाएं। ठीक है, थैंक यू।